अज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करो। डाउटनट ते होंगे तुहाडे सारे 6वीं तो 12वीं क्लास दे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अते बायोलॉजी दे डाउट दा सफाया, ओ भी पंजाबी विच। बस अपने प्रश्न दी फोटो खिंचो, उसनू क्रॉप करो अते तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अते अजेहे ही होर वीडियो देखन लई डाउटनट पंजाबी यूट्यूब चैनल नू सबस्क्राइब करो। Start the question. The question says a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Hun is question sanu ki ditta da ki jo sade kol ik motor boat hai jidi still water speed kinni ditti di hai 18 km per hour ditti di hai. Ta ki kiya gaya hai jadon upstream jandi hai 24 km da distance hai usi distance upstream jandi hai ta usi डिस्टेंस वापस डाउनस्ट्रीम आती है एक ही जगह से। तो जो अपस्ट्रीम जाती है तो जो टाइम है कि है एक घंटा ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम नालों। तो असी की करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है। असी सब तो पहला की कर लें लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम असी मान लें एक्स मान लें सब तो पहला स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर ये असी मान लिया। तो लेकिन सानू की दिता था स्पीड ऑफ बोट दिती हुई है स्टिल वाटर असी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कि स्टिल वाटर जो दी स्पीड कितनी है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर दिती हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। हुन असी की करनी है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दी असी निकाल सकते हैं दी स्पीड। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम हुन जो कोई बोट है अपस्ट्रीम जाती है तो वो की होंगी है ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी है पानी तो ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी है तो जो स्पीड है की है कट जाती है। तो हूँ साढ़े को कि आ जाएगी 18 किलोमीटर सू स्टिल वाटर दिती है तो अपस्ट्रीम जाने साढ़े को जी स्पीड की आ जाएगी 18 माइनस एक्स आ जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये उल्टी मतलब पानी की डायरेक्शन तो उल्टी जाती है तो ऑबवियसली जो सा जो टाइम है की होएगा सॉरी स्पीड है की होएगी कट जाएगी। इसी तरह स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम असी कर ली हूँ डाउनस्ट्रीम लिए देखते हैं। तो डाउनस्ट्रीम लिए की होंगे जिस तरफ पानी का बहाव होंगे उसी तरफ मतलब बोट का चलना मतलब अलोंग विद वाटर तो स्पीड की होगी इनक्रीज हो जाएगी साड़ी तो असं एक्स नू की कर देंगे दे विच ऐड कर देंगे पर आवर। हूँ साढ़े को आ गई स्पीड ऑफ बोट आ गई दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर असी सारी स्पीड निकालनी है तो असं की कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा साढ़े को दिता था डिस्टेंस भी दिता था सानू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर तो असं टाइम निकाल सकते हैं। टाइम सानू पता है जो टाइमली फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो असं इतों की अगर देखिए यही फॉर्मूला यूज करके अगर असी निकालीए तो साढ़े को आ जाएगा जिस तरह सानू दिता था डिस्टेंस कितना है 24। सब तो पहले असं की करांगे अपस्ट्रीम नहीं निकाल दिए 24 बाय 18 माइनस एक्स यही आएगा। हुन साढ़े को दूसरा जो डाउनस्ट्रीम ने डिस्टेंस है वो कि टाइम कि आ जाएगा दैट इज आ जाएगा 24 बाय स्पीड कि 18 प्लस एक्स। लेकिन सानू क्वेश्चन दे विच की कहा गया है जो अपस्ट्रीम जाता है तो उन्होंने डाउनस्ट्रीम नालों एक घंटा ज़्यादा लगता है इट मीनस अगर असं डाउनस्ट्रीम के टाइम के विच एक घंटा ऐड कर दिए तो दो साड़ी क्वेश्चन इक्वल हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी दोनों तरफ। तो हम देख सकते हैं असं सब तो पहला जो 24 और 18 इन सॉल्व करते हैं ये वाली जो साढ़े को 24 बाय 18 प्लस एक्स दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस आ जाएगा क्योंकि सारी टर्म साड़ी की हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो साढ़े को आ जाएगा इज इक्वल टू 1 दे इक्वल। तो हम सब तो पहले सॉल्व करते हैं अगर देखा जाए तो नीचे साढ़े को इधर की आ रहा है 18 प्लस दोनों टर्म सेम है लेकिन इन्हों के साइन चेंज है तो असं लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहे हैं अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला की होंगे सर दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो असं हम इतने यूज करांगे 18 का स्केयर आ जाएगा दैन माइनस एक्स स्केयर यही आ जाएगा और उपर देख सकते हैं दोनों 24 साड़ा की है कॉमन है तो 24 में असं कॉमन ले लें तो इधर कड़ी टर्म मल्टीप्लाई होगा 18 प्लस एक्स न इधर 18 प्लस एक्स न मल्टीप्लाई होगा और विच माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और इधर हो जाएगा 18 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अगर इनू असी सॉल्व करिए तो साढ़े को आ रहा है सब तो पहला 24 दैन
18 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज होगी है, डिवाइड किया आ जाएगा 18 द स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू की द इक्वल है 324 दे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे आ रहे हैं, हुन 18 माइनस 18 दैट इज 0 आ जाएगा, और एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x आ जाएगा, तो असी लिख सकते हैं 24 देन 2x डिवाइडेड बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 दे, हुन ये वाली टर्म नु असी इधर ले जाएंगे तो की आ जाएगा साडे कोल, असी लिख सकते हैं 24 इंटू 2 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, हुन ये सारी टर्म नु असी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साडे कोल की बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, की बन जाएगी, एक्स स्क्वायर देन प्लस विच 48x देन माइनस का 324, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, हुन 324x स्क्वायर दे असी इस तरह दे फैक्टर करने, साडे कोल प्लस का 48x आए, तो असी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 54x देन माइनस विच 6x देन माइनस विच 324 दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, हुन असी अगर इन्हें सॉल्व करिए तो x कॉमन आ जाएगा, तो इधर की आ जाएगा x प्लस 54 और इधर आ जाएगा साढ़े को माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा x प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, हुन असी इतों की साढ़े को x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो x प्लस 54 दैन दूसरी आ जाएगी x माइनस 6 दैट दोनों ही साढ़े 0 के इक्वल है, जितों एक्स की आ जाएगा एक तो एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 54, अगर दूसरा एक्स देखा जाए तो आ रहा है साढ़े को 6 आ रहा है, हुन असी देख सकते हैं साढ़े को जोड़ा एक्स आ रही है एक वैल्यू आ रही है माइनस 54, क्योंकि असी एक्स किनों लिता सीगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेकिन जो माइनस वैल्यू है स्पीड है वो नहीं आ सकती, तो असी लिख सकते हैं इनू इट्स नॉट पॉसिबल, जो स्पीड है साड़ी की है माइनस नहीं हो सकती, तो इट्स नॉट पॉसिबल, सो साढ़े को जड़ी स्पीड आ जाएगी स्ट्रीम दी की आ जाएगी नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज असी किन लिता सी एक्स दे इक्वल वो साढ़े को आ गई दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, यही असी फाइंड करना सी कि ओदी स्पीड किन्नी है स्ट्रीम दी तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।